किसानों की आमदनी बढ़ाने और फल सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल मंत्रालय ने किसान रेल योजना भी तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए रेल मंत्रालय ने 9 रेफ्रिजरेटर बोगियों की फ्लीट कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री से खरीदी है। बजट में रेल कृषि योजना की घोषणा होने के तुरंत बाद रेल मंत्रालय ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। एक रेफ्रिजरेटर पार्सल वैन की क्षमता 17 टन है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में रेलवे के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया था। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी के माध्यम से किसान रेल शुरू करेगी, जिसमें जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज के लिए रेफ्रिजरेटेड डिब्बे होंगे। उन्होंने कहा, दूध, मांस और मछली समेत शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत प्रशीतित श्रृंखला के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे PPP के माध्यम से किसान रेल चलाएगी। एक्सप्रेस और ढुलाई ट्रेनों में भी रेफ्रिजरेटेड डिब्बे होंगे। जानकारी के मुताबिक राउंड ट्रिप के आधार पर इन कंटेनर्स की बुकिंग की जाएगी। माल भाड़ा सामान्य माल भाड़े से 1.5 गुना तक ज्यादा होगा। आपको बता दें कि रेलवे की योजना भविष्य में 98 रेफ्रिजरेटर रेल कंटेनर खरीदने की है। पूरी तरह से इस मॉडल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ही रखा जाएगा। एक रेक में 12 टन या कंटेनर कैपेसिटी वाले 80 कंटेनर होंगे।